तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हालांकि ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे गेम एडिटर यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे होंगे ये वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आज हम इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ने वाली है कैप कट की ज़रूरत, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करके प्लस वाले एल आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से आपने फ़ोटो पर जाना है। फ़ोटो पर जाकर आपने यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आपको चाहिए। फिर आपने वॉलपेपर को डिलीट कर देना है। डिलीट करके भी फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद आपने ऑडियो पर जाना है। ऑडियो पर जाकर आपने फाइल में से सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है जो आपको चाहिए। सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद आपने वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने अपने सॉन्ग की डेकोरेशन के हिसाब से बीट लगा लेने हैं। जैसे मैं यहाँ 3 बीट लगाने वाला हूँ, तो आपको भी अपनी सॉन्ग के हिसाब से ही बीट लगा लेने हैं। बीट लगाने के बाद आपने वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आके आपने यहाँ फ़ोटो को जूम करना है। फिर से आपने थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने ऐसे ही जितने बीट लगाए हैं उन पर जाकर जूम कर लेना है। फ़ोटो जूम करने के बाद आपने इस बीट के बीच में स्प्लिट कर देना है। ऐसे ही सबले बीट के बीचों में स्प्लिट कर लेना है। आपने स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने बिलंच इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सबले स्प्लिट ऑप्शनों पर सेंड कर देने हैं। इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ से फिर से आपने वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करके आपने फिर से एक और बार स्प्लिट कर लेना है। अपने सॉन्ग की डेकोरेशन के ही हिसाब से रखने हैं। कर लेने के बाद आपने एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपने फिर से आपने एनी टोन पर जाना है। एनी टोन पर जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वीडियो की डेकोरेशन के ही हिसाब से इफेक्ट लगा लेने हैं। इफेक्ट लगाने के बाद आपने वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने फिर से वीडियो को स्प्लिट करना है जितने आपने इफेक्ट लगाने हैं। आपने फिर से एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने एनिमेंट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे 3 वाला इफेक्ट लगा लेना है। इफेक्ट लगाने के बाद आपने स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपने वीडियो पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करके आपने वीडियो को थोड़ा स्प्लिट कर लेना है। इस एडिट पर क्लिक करना है। एनिमेटन पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ से इफेक्ट लगा लेने हैं जो आपको चाहिए। इफेक्ट लगाने के बाद आपने बाकी फ़ोटोज़ की वीडियो को डिलीट कर देना है। डिलीट करके आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाने के बाद आपने वीडियो सेव कर लेनी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ये वीडियो को लाइक भी कर देना।